तो क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 इसके पहले क्या आप लोग कुछ फॉर्मूले समझने पाएंगे, तो आप देखो सूत्र समझो उसके। हो गया, जैसे मेरे पास कोई नंबर जैसे ए की पावर एम है और इसकी पावर एम है, क्या है एम, तो एम का मल्टीप्लिकेशन एम में हो जाएगा, तो एम एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो गया। सीधी बात है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा, यहाँ ए की पावर है, इसकी होल पावर एम। अगर क्वेश्चन में माना कि ए की पावर एम तो b की पावर नहीं, a की पावर m और a की पावर n, मतलब दोनों का बेस अगर सेम है और जो डिग्री है वो डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब आधार समान कीजिए घात अलग अलग होनी चाहिए, तो क्या होता है इनटू में पावर n हो जाएगी, क्या हो जाएगी गुणा में m प्लस n हो गया। दूसरा, अगर डिवाइड में a की पावर m अपॉन a की पावर n तो क्या होगा आपका, a की पावर m, a की पावर n, ये डिवाइड में ये इनटू में रहता है, ये पावर क्या हो जाएगी आपकी माइनस हो जाएगी, तो m माइनस n, ये आपके तीनों फॉर्मूले हो गए। और भी फॉर्मूले आ सकते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, ए की पावर एम डॉट बी की पावर एम, देखो दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन जो घात है ना वो सेम है, मतलब डिग्री सेम है, तो क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और एम बाहर चला जाएगा, बस इतना याद रखना है। अब इसी बेस पर पूरे जो फॉर्मूले हैं ये, मतलब जो क्वेश्चन 1.6 इसी फॉर्मूले के बेस पर है, क्या करना है आपको, जो रूल्स हैं इनको अप्लाई करना है और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इतना तो लिख लिया होगा। आप 1.6 पे आते हैं, 1.6 में क्या करना है आपको, इसको आप करते हैं हो ना, आपके पास जो पहला क्वेश्चन है 64 पावर 1/2 ये क्वेश्चन है सॉल्व करना है, क्या करना है क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, या तो आप इसकी फैक्टराइज कर दो 64 की, या आप पावर को देखो इसमें कितनी पावर है 1/2, तो ये किसी का स्क्वायर है क्या, मतलब वर्ग है ये आपका 64 का जो वर्गमूल होता है वो होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है, तो उस प्रकार से भी आप कर सकते हो, जैसे मान लीजिए 64 का वर्ग किसका होता है वर्गमूल, ये होता है 8 का, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो। ये मैंने क्यों करा ऐसा, क्योंकि मेरे को पता लग रहा है यहाँ 2 है, पावर कितनी है 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आप ऐसे भी करते 64 के आप फैक्टर निकालोगे पूरा घन, तो 2 कितनी बार आए हैं वो ऐसे देखो, वैसे भी आंसर आएगा। तो अब क्या करेंगे हम, रूल्स कौन सा आ गया, रूल्स लिखेंगे हम ए की पावर एम एन, ये क्या हो जाता है एम इंटू एन, ये देखो ए की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 गया 8 की पावर 1, तो आंसर कितना आ गया 8, ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट। अब सेकंड वाला देखो, ये पर देखो सेकंड वाला थोड़ा सा अलग रहेगा लेकिन बेसिक क्वेश्चन सॉल्व, 32 पावर 1/5 क्या है 1/5। अब आप देखो 32 का वर्गमूल नहीं होता, क्या नहीं होता है, अब जिसका वर्गमूल नहीं होता है तो उसका वर्गमूल नहीं निकालेंगे, अब क्या करेंगे 32 को यहाँ पर फैक्टराइज कर दो, आप उसके फैक्टर निकाल दो, यहाँ लिखो 32, 2 से गया 16, 2 से गया 8, 2 से गया 4, ये 2, ये 2 है, तो कितनी बार आया है वो हम यहाँ लिख लेंगे 2, 5 बार आया, कितनी बार आया है ये 1/5 हो गया। अब 2 ये कौन सा रूल्स लगा, ये वाला रूल्स लगेगा, ए की पावर है, ए की पावर है वाला, यहाँ 2 की पावर 5 ये बाहर चला जाएगा 1/5, 5 से 5 गया 2 की पावर 1, कितना आंसर आ गया 2।
रूल्स आपको लिखना है, अगर यहाँ लिखे ना e की पावर m, इसकी होल पावर m, तो क्या आएगा e की पावर m इंटू n, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार तीसरा भी हो जाएगा आपका क्वेश्चन, इसमें लाइन से तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर टू, उसको भी आपको सोल्व भी करना है, बस थोड़ा सा लगे हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 9 की पावर 3 बाई 2, 32 की पावर 2 बाई 5, 16 की पावर 3 अपॉन 4। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, 9 की पावर 3 अपॉन 2, ये क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था, अगर किसी का वर्गमूल है इसका, मैं तो उसको वैसे करता हूँ, नहीं करना तो आप मतलब फ्रैक्चर निकाल के आवाज बोलकर उससे भी कर सकते हैं। जैसे 9 है, ये 3 का होता है, इसका मतलब तो ऐसे लिख सकते हैं आप, उसको लिख दिया मैंने। अब यहाँ फिर वो रूल फॉलो हो जाएगा, ए की पावर एन, इसकी पावर एन, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एम इंटू एन, ये रूल्स होगा आपका। रूल्स फॉलो करा, 2 बाहर चला गया आपका, तो 3 आएगा, 2 इंटू 3 बाई 2 हो गया, 2 से 2 कट कर दो, 3 की पावर 3, इसका मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा, 27, ये हो गया आपका आंसर। अब इसी का सेकंड वाला कर लेते, सेकंड वाला होमवर्क है आपका, थर्ड वाला भी होमवर्क हो जाएगा, फोर वाला देखो, फोर वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, 125 की पावर 1/3, क्या है क्वेश्चन, 125 की पावर 1/3, ये क्वेश्चन है आपका 1/3, तो रूल्स वही है, देखो 125 में कैसे निकालना, 125 5 से आपने कैंसिल करा, 25 आया, 25 5 से कैंसिल करा, 5 आया, 5 से कैंसिल करा, 1 आया, 5 कितनी बार आया, कौन यहाँ लिखेंगे, 5 की पावर 3 पावर -1/3, 3 कहाँ चला जाएगा, बाहर आया, क्योंकि रूल्स लग गया है यहाँ पर, ब्रैकेट में लगा दो 1/3, 3 से 3 गया तो क्या बचा, 5 की पावर -1, लेकिन आंसर आपको ऐसे नहीं देगा। देखो आप कुछ इसका रूल्स में बताता हूँ आपको, इसमें है क्या, इसमें अगर पावर अगर माइनस में है तो उसको आपको पॉजिटिव बनाना है, क्या बनानी है, अगर माइनस में तो क्या बनानी है, पॉजिटिव, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये नंबर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब हर में ये हो जाएगा 5 की पावर 1, बस कितना हो जाएगा, मतलब ये आगे नंबर नीचे चला जाएगा बस, यो जाएगा 1/5। अगर आप सोच रहे हो कि सर ने ऐसे किया है 5 की पावर 2, ये इधर 2 आ जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बताया कि ये जो माइनस है ये आपके यहाँ प्लस बन जाता है, लेकिन ऊपर आसमान क्या रहेगा, आपको बन ही रहेगा, मतलब यहाँ आपको जो नहीं लिखना है, मैंने ये वाला बन जो यहाँ था वो नहीं लिखा है, यहाँ बन रहेगा सिर्फ ये जो माइनस है वो क्या बन जाएगा आपका, पॉजिटिव, यहाँ आंसर कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा आंसर, समझ गए, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 1/25, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप लगा लोगे ना, जैसे मैंने बोला आपसे 5 की पावर 3 है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप 5 की पावर माइनस का 3 सॉल्व करो, क्या 5 की पावर -3, तो ये मैंने माइनस लगाया, कुछ नहीं करना, बार ऊपर लगाना, ये 5 की पावर 3 को पॉजिटिव बनाना, बस बना दिया, 5 कितनी बार, 3 टाइम्स आया, तो 5 से आप इंटू कर दो 3 बार, तो 1/25, 1/25 आंसर, ये अच्छे क्वेश्चन दोनों राइट डाउन कर लेना। इसके बाद आपको जो आगे क्वेश्चन है सब होमवर्क में ही हो जाएगा। अब इसके बाद अपने ये क्वेश्चन में हो गया, क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक
थ्री चल रहा है, देखो उसके बाद थ्री देखो, इनको भी सॉल्व करना है आपको। क्या है क्वेश्चन में, टू की पावर टू बाई थ्री डॉट टू की पावर वन अपॉन फाइव। रूल्स पे ध्यान देना है, देखो रूल्स क्या है, अगर बेस सेम है, क्या है बेस, पावर ऐड हो जाएगी, बस इतना यहाँ पर रखना है। तो देखो दोनों का बेस सेम है, ये भी है ये भी है, पावर ऐड का कोई मतलब नहीं। तो हम क्या करेंगे, ए की पावर एम डॉट ए की पावर एम, तो ये क्या हो जाता था एम एम, किसमें इनटू में रूल्स, ये इनटू वाला रूल्स। तो क्या करेंगे हम इसमें टू को सिंगल लिखेंगे, इन दोनों को प्लस में लिखेंगे, टू बाई थ्री प्लस वन अपॉन फाइव हो गया, बस इसको सॉल्व कर दिया। अभी सॉल्व नहीं होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो क्या करें, क्रॉस फाइव का टू में कर लो टेन, थ्री का डबल थ्री आया, फाइव का थ्री में करो कितना आएगा फिफ्टीन, तो आंसर कितना हो गया टू हो जाएगा थर्टीन अपॉन फिफ्टीन, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर वन है फाइव का, और देखते हैं अब ये इसी प्रकार का रूल्स होगा, वो माइनस पॉइंट के बाद दो मतलब इनटू वाले में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये रूल्स डिवाइड वाले में क्या हो जाएगा माइनस। तो अपना अगला होमवर्क भी आप कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड में हो, सेकंड के लिए आप फोर देख लो, फोर थोड़ा सा अलग है, बस सेवन की पावर वन अपॉन टू डॉट वन अपॉन टू, इसमें क्या होगा रूल्स देखो। अब बेस अलग अलग है, दोनों का बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो क्या करेंगे दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और एम ले लेंगे बाद में, ये रूल याद रखना है। तो क्या आ जाएगा सेवन इंटू एट हो गया, ये हो जाएगा वन अपॉन टू, ये हो जाएगा फिफ्टी सिक्स की पावर वन अपॉन टू, ये आंसर हो गया।